मुझे यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को जितनी जल्दी हो सके वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। डेरा सच्चा सौदा में आज हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आने वाली लड़कियों और महिलाओं से बातचीत करके जान रहे हैं डेरा की सच्चाई से। डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार मैम, आपका नाम? जन्मजीत कौर। मैम कितने समय से आप जो है डेरे में आ रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट बचपन से ही हम डेरे में आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स शुरू से ही मानते थे तो हम भी मतलब वैसी। और मैं यहीं से ही पढ़ी हुई हूँ, मतलब डेरा सच्चा सौदा के स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ और हम मतलब शुरू से ही मानते हैं। आप यहाँ पे शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के एक स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते होंगे कि स्कूल का माहौल किस तरह का है, लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। आई वुड से कि यहाँ का जैसा माहौल है मैंने स्कूल से निकलने के बाद वैसा माहौल कहीं भी नहीं देखा। इतना शांतमय, इतना मतलब काम, एंड अगर आप सेफ्टी को लेके बोलें तो आई डोंट थिंक कि लड़कियाँ कहीं और इतनी सेफ होंगी जितनी यहाँ पे हैं। मीडिया में स्पेशली जो स्कूल्स के बारे में दिखाया जा रहा है, शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल के बारे में दिखाया जा रहा है, डेरे के बारे में जो दिखाया जा रहा है, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? वो जो सोशल मीडिया का तो ऐसा है कि वो बिकाऊ है, ठीक है। मैं खुद यहाँ से पढ़ी हुई हूँ, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, हमें इतने साल हो गए हैं यहाँ पर आते हुए। मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी ना ही तो कभी मतलब इन अ रॉन्ग वे मैंने कभी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना लड़कियाँ यहाँ पे सेफ फील करती हैं वहाँ इतना कहीं और नहीं कर सकती। मानवता भलाई के कौन कौन से कार्य जो है डेरा के द्वारा किए जा रहे हैं? डेरा के द्वारा बहुत सारे मतलब कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि नशा छुड़वाना, जो कि आपको पता ही है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो हमारी यूथ है नशे में इन्वॉल्व है। और यहाँ पे वही है कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी मतलब एक जगह रखे के मतलब नशा छुड़वाया जाता है। और इसके अलावा ट्री प्लांटेशन हो गया, और भी मतलब लाइक अभी रिसेंटली जो नया अभी लॉन्च करना है वो है कि जो मोबाइल टॉयलेट वगैरह है उसका करना है। मतलब बेसिकली बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मतलब मानवता भलाई के लिए मतलब शुरू करवाए जा रहे हैं और हो चुके हैं ऑलरेडी। मैम लोगों को लगता है कि डेरे में सिर्फ अनएजुकेटेड लोग आते हैं और यहाँ पे अंधविश्वास जैसा कुछ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी एग्जांपल इस टाइम पे मैं खुद की दे सकती हूँ। मैं यहीं से पढ़ी हुई हूँ, आई हैव डन MSc फिज़िक्स एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो इससे बड़ी एग्जांपल तो इस टाइम पे मैं क्या दे सकती हूँ कि आप मुझे ही देख सकते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, वी ऑल आर वर्किंग। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं या वैसे भी आप अगर आप वैसे भी क्राउड को देखेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अनएजुकेटेड पीपल हैं, मतलब मिक्स तो होता ही है। आप कहीं भी जाते हो, कोई गुरुद्वारा मंदिर जहाँ भी जाते हो मिक्स तो होता ही है, बट ऐसा नहीं है कि टोटली अनएजुकेटेड है। मैम सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरी यही अपील है कि मुझे यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुजी को जितनी जल्दी हो सके वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। थैंक यू मैम। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल की एक स्टूडेंट है और स्कूल के बारे में जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग बता रही हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इतने साल ये रही हैं, यहाँ के माहौल को इन्होंने अच्छे से देखा है और ये कह रही हैं कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ हमने यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो है ह्यूमैनिटी वर्क्स करना, वेलफेयर वर्क्स करना इन लोगों को सिखाया जाता है। इस बारे में आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम से। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।